तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हाउ टू प्रोग्राम इन टर्बो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, किस तरह से प्रोग्राम करते हैं इसके अंदर। तो हाउ टू प्रोग्राम इन टर्बो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि हमें क्लियर होना चाहिए कि टर्बो सी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इट मीन्स के ये एक, इट मीन्स इट इज सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर होगा, सही। तो हमें प्रोग्रामिंग कोड करने के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, नंबर एक टेक्स्ट एडिटर और नंबर टू कंपाइलर, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर किस लिए चाहिए होता है, ताकि हम टू राइट कोड, और कंपाइलर क्यों रिक्वायर्ड होता है, टू टेस्ट एंड रन द कोड सेफली, ठीक है, कोड को टेस्ट कर सकें और रन कर सकें। अगर हम दोनों चीज़ों अलग अलग भी ले सकते हैं और दोनों चीज़ें हमें एक साथ भी मिल सकती हैं, तो वो दोनों चीज़ें हमें किस पे मिलेगी, IDE के अंदर, ठीक है। IDE क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब ये होता क्या है, IDE इज अ सॉफ्टवेयर विच कंटेन टेक्स्ट एडिटर एंड कंपाइलर बोथ इन वन पैकेज, ठीक है, दोनों चीजें एक ही पैकेज में होती हैं, सही, और उसके अंदर हम ये चीजें कर रहे होते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए, इसमें जो कंपाइलर है इसका काम क्या होता है, कंपाइलर में कंटेन ऑल द टर्बो सी प्रोग्रामिंग कोड, ठीक है। अच्छा, और प्रोग्रामर करता क्या है, इसके अंदर सारा टर्बो सी का प्रोग्रामिंग कोड होता है, जो पहले से जो हमें करना है वो इसके अंदर होता है, और ये करता क्या है, फंक्शन कंपाइलर, फंक्शन कंपाइलर ये करता है, कंपाइलर कन्वर्ट प्रोग्रामिंग टर्बो सी प्रोग्रामिंग कोड इनटू मशीन लैंग्वेज, सही है। कंपाइलर क्या काम करता है, जो भी टर्बो सी का कोड होगा जो हम इसको सप्लाई करेंगे, उसको अगर हम सही लिखेंगे तो उसको ये ट्रांसलेट करेगा, कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर। मशीन लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, मशीन लैंग्वेज इज बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज हम बाइनरी लैंग्वेज को कहते हैं, जिसके अंदर विच हैज टू डिजिट ओनली, जिसमें हर नंबर बनाने के लिए, हर लेटर बनाने के लिए, हर फोटो, हर तस्वीर, हर डेटा को कंपोज करने के लिए सिर्फ दो ही डिजिट है, 0 और 1, यानी कि जितना बड़ा भी नंबर बनाना होगा वो 0 और 1 से बनेगा, जो भी नाम लिखना होगा वो 0 और 1 से बनेगा, और इसको ऑल टाइम कंप्यूटर खुद ही कैलकुलेट कर रहा होता है बैकग्राउंड में। अगर हम बात की जाए कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट ये सारा काम कर रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रोप्रोसेसर इज ऑलवेज परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजन ऑपरेशंस इन बाइनरी लैंग्वेज। माइक्रोप्रोसेसर हमेशा ये कैलकुलेशन और कंपैरिजन करता रहता है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज से तस्वीरें बना रहा है, वीडियो चला रहा है, गेम्स चला रहा है, आपको लेटर्स दिखा रहा है, आपके टेक्स्ट दिखा रहा है, ये कन्वर्जन वो करता रहता है और कंपैरिजन भी साथ साथ करता रहता है, तो ये काम माइक्रोप्रोसेसर कर रहा होता है। तो अब मसला ये है कि अगर हम थोड़ा सा इस बात को गहराई से समझें, टर्बो सी जो है इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टर्बो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये कन्फर्म है बात, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है, लेकिन जो इसका कोड है वो जस्ट लाइक इंग्लिश वर्ड्स हैं, ठीक है ना, टर्बो सी कोड्स आर सिमिलर
टू इंग्लिश वर्ड्स, ठीक है, इंग्लिश के वर्ड्स की तरह है, लेकिन वो बिल्कुल इंग्लिश नहीं है एग्जैक्ट। बात को समझने की कोशिश करें, इंग्लिश के वर्ड्स की तरह है लेकिन वो इंग्लिश नहीं है। तो अगर इंग्लिश के वर्ड्स की तरह है तो हम कहते हैं कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी किस तरह की लैंग्वेजेस हैं। तो जैसे बाइनरी मशीन लैंग्वेज है, तो मशीन लैंग्वेज को हम एक और नाम से पुकारते हैं, मशीन लैंग्वेज ऑल्सो कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को आती है। इस लैंग्वेज में सिर्फ मशीन ही काम कर सकती है, इंसान का तो काम करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंसान दो डिजिट्स के अंदर ये सारी चीजें कैसे कर सकता है, बहुत मुश्किल है। तो मशीन जो इंसान जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो इंग्लिश, उर्दू, हिंदी होती है। उन लैंग्वेजेस को हम कहते हैं, यहां मैं लिख देता हूँ, लैंग्वेज एंड अदर, इंग्लिश एंड अदर ह्यूमन स्पोकन लैंग्वेजेस आर ऑल्सो कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो इंग्लिश, उर्दू, हिंदी जो हम बोल रहे हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज है। लेवल हाई क्यों है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, सब लोग अंडरस्टैंड करते हैं, समझ में आता है और ईजी है। लेकिन बाइनरी लैंग्वेज जो कि मशीन लैंग्वेज है, वो सिर्फ मशीन ही समझती है और उसको बेहतर तरीके से मशीन ही परफॉर्म कर सकती है, समझ रहे हैं बात को। लेकिन तो टर्बो सी किस तरह की लैंग्वेज है, तो हमने पढ़ा ऊपर, टर्बो सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सॉफ्टवेयर बेस्ड है, जो कि बनाई गई है मशीन लैंग्वेज और ह्यूमन लैंग्वेज के दरमियानी गैप को फिल करने के लिए। शुरू शुरू में जब कंप्यूटर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शुरू हुई थी तो प्रोग्राम करना पड़ता था मशीन लैंग्वेज में, तो सबको बाइनरी लैंग्वेज सीखनी पड़ती थी और ये इतना ही मुश्किल अमल था। तो प्रोग्रामर भी दुनिया में तीन चार ही थे गिनती के। जब उन्होंने इस चीज़ को कमर्शलाइज किया और यूनिवर्सिटी में पहुंचाया तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और इस तरह कंप्यूटर की फील्ड में डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी। इस काम को फास्ट करने के लिए उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाना शुरू की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वो जो कोड मशीन लैंग्वेज का होता था उनको उन्होंने रैप कर दिया इंग्लिश के वर्ड्स के अंदर। जैसे कोई भी कमांड आपने लिखनी है तो वो इंग्लिश के वर्ड में आपको बताई गई, लेकिन बैकग्राउंड में उसके जो कोड चल रहा है वो मशीन लैंग्वेज का है। इस तरह उन्होंने कई लैंग्वेजेस बनाई जिसमें सी लैंग्वेज पॉपुलर हुई और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाने लगी। सी लैंग्वेज के जितने भी कमांड्स जिनको हम कोड्स कहते हैं या फंक्शंस कहते हैं, बेसिकली सही वर्ड है उसका फंक्शंस, जो उसकी कमांड्स हैं, वो सारे के सारे इंग्लिश के वर्ड्स की तरह हैं और उन फंक्शंस के अंदर बहुत सारा बाइनरी कोड लिखा हुआ है। लेकिन आपको वो बाइनरी कोड समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको आसान करके बताया गया, आपको सिर्फ वो फंक्शन समझने की ज़रूरत है कि वो कैसे काम करेगा, उसको कैसे लिखा जाएगा, उससे काम कैसे लिया जाएगा, और जो काम आप लेना चाह रहे हैं वो कर देंगे। मतलब इस फील्ड में ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए 1000 लाइन कोड लिखने याद करने की ज़रूरत नहीं है। 1000 लाइन कोड का एक फंक्शन बना दिया, उसका नाम रख दिया मिसाल के तौर पर प्रिंट एफ, आपको वो सीखने की ज़रूरत है वो कैसे काम करेगा। तो ऐसी तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो मशीन लैंग्वेज और ह्यूमन लैंग्वेज के गैप को फिल करती हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और इनका रैंक हम रखते हैं मिड लेवल लैंग्वेजेस पर, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कह देते हैं समझने के लिए, ह्यूमन की जो लैंग्वेज है वो हाई लेवल है, ठीक है, हाई लेवल, और टर्बो सी है वो एक मिड लेवल लैंग्वेज है, और जो बाइनरी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है वो एक लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, समझ में आ गई बात की। तो इसलिए अगर मशीन को चलो सही कर लेना, ठीक है ना। अब उसमें मसला कहने का ये है कि यहाँ पर हाई लेवल लो लेवल का मकसद यहाँ पे समझाने का ये है कि ये काम जो कर रहा होता है वो कर रहा होता है काम कंपाइलर,
कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो हमें प्रोग्रामिंग करते वक्त इस्तेमाल करना है। उसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सारा कोड पहले से होता है। हम उस कोड को समझ के जब लिखते हैं तो हम कंपाइलर से चेक कराते हैं, देखो हमने सही कोड लिखा है। कंपाइलर चेक करता है अगर आपने कोड सही डायरेक्शन में सही सेंटेक्स के साथ लिखा होता है तो वो उसको वेरीफाई कर लेता है और उसको मशीन को कन्वर्ट करके बाइनरी में समझा देता है। यानी कि ऑलवेज कंपाइलर हमारे दिए हुए कोड को जो हम सीखेंगे उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी में और माइक्रो प्रोसेसर को समझाता है। माइक्रो प्रोसेसर चूंकि मशीन लैंग्वेज समझता है वो उसको समझ जाता है और उस कोड को परफॉर्म कर देता है। उसको इससे कोई गर्ज नहीं है वो कोड सही है, मतलब सही डायरेक्शन में है या गलत डायरेक्शन में है, पर कोड की तरसील सही होनी चाहिए। और यही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखते हैं कि कोड कैसे लिखा जाए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सीखते हैं कि उसके सेंटेंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जैसे आम लैंग्वेज में जुमले को हम कहते हैं सेंटेंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट। अगर आपने सही स्टेटमेंट लिखी है तो आपका कोड प्रॉपर चलेगा, अगर आपने सही स्टेटमेंट नहीं लिखी तो आपको एरर आएगा। ठीक है, तो हम यहां पे लिख लेते हैं करेक्ट स्टेटमेंट ऑलवेज परफॉर्म्ड बाय मशीन। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑलवेज डिस्प्ले द एरर बाय मशीन। गलत स्टेटमेंट लिखेंगे तो कंपाइलर वो कोड आगे मशीन को नहीं देगा और आपको वही बता देगा कि भाई ये आपने गलत लिखा है। तो एक तरह से कंपाइलर आपका गाइडलाइन भी हो गया, सपोर्ट भी हो गई कि आपको गलती नहीं करने देगा, गलती आपको बताएगा, उस गलती को सही करेंगे तो कोड आगे सप्लाई करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। तो देखें स्टेटमेंट क्या होती है। स्टेटमेंट हम यूं कह सकते हैं सिंगल लाइन ऑफ कोड, अ सिंगल लाइन ऑफ कोड इज कॉल्ड स्टेटमेंट। एक सिंगल लाइन कोड जो है क्या कहलाता है, स्टेटमेंट। अगर दो लाइन का कोड है तो दो स्टेटमेंट, तीन लाइन का कोड है तीन स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी। आम लैंग्वेज में हम जुमला बनाते हैं तो उसको सेंटेंस कहते हैं, तो जब इसका एक लाइन का कोड लिखेंगे तो उसको आप एक स्टेटमेंट कहेंगे। सही। अब आज हम ये देखेंगे किस तरीके से हम कर रहे होते हैं, किस तरह से हम टर्बो सी के कंपाइलर को खोलेंगे। तो अपने कंप्यूटर में पहले आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा अलग से। जब अगर इंस्टॉल हो जाएगा तो आप यहाँ लिखेंगे टर्बो सी, तो इस तरह का इसका आइकन आपके सामने आएगा। सही है, ये डेस्कटॉप पर भी हो सकता है नजर आया आपको, कहीं पे नहीं नजर आ रहा तो यहाँ पे देख लीजिएगा, जिस कंप्यूटर में नहीं होगा तो ये नहीं आएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कंपाइलर आपके सामने थोड़ी देर में चल पड़ेगा। आज आप सीखेंगे इस कंपाइलर को कैसे ऑपरेट करते हैं। सही। अब इसको ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले आपने करना ये है कि देखें जो ऊपर नजर आ रहे हैं वो है मेन्यूज। इसमें आपने माउस यूज नहीं करना, कीबोर्ड से काम करना है। फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, सर्च मेन्यू, रन मेन्यू, कंपाइल मेन्यू, डीबग मेन्यू, प्रोजेक्ट मेन्यू। हर मेन्यू का एक लेटर रेड है, जो लेटर रेड है उसको ऑल्टर के साथ दबाएंगे तो वो मेन्यू खुल जाएगा। ऑल्टर को होल्ड करेंगे, एफ दबाएंगे तो फाइल का मेन्यू खुल जाएगा। ऑल्टर को होल्ड करेंगे, डब्ल्यू दबाएंगे तो विंडोज का मेन्यू खुल जाएगा। होल्ड करेंगे, आर का बटन दबाएंगे तो रन का मेन्यू खुल जाएगा। सही। अब मेन्यू बंद कैसे करेंगे, एस्केप का बटन दबाएंगे तो मेन्यू बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर ऑल्टर के साथ एफ किया, फिर एक न्यू फाइल कैसे लेंगे। हर मेन्यू के अंदर कुछ कमांड्स हैं, जैसे फाइल के मेन्यू के अंदर न्यू की कमांड है, न्यू फाइल, ओपन फाइल, सेव फाइल, क्लोज फाइल, क्वाइट, सॉफ्टवेयर को बंद करना है, बंद करना है तो यहाँ से क्वाइट करेंगे, ये कंपाइलर ऑफ हो जाएगा। आईडी, ये है टर्बो सी का आईडी जिसका जिक्र अभी हमने किया था कि इसमें टेक्स्ट एडिटर भी है और कंपाइलर भी दोनों शामिल है। दोबारा खोलें फिर आप इसके अंदर आ जाएंगे। अच्छा, अब ये पूरी स्क्रीन पर आ जाता है तो अगर इसको छोटी स्क्रीन पर देखना हो तो क्या करेंगे, ऑल्टर के साथ होल्ड करेंगे, इंटर का बटन दबाएंगे, सही। और अगर छोटी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, बड़ी स्क्रीन पे देखना है, फुल स्क्रीन पे, तो ऑल्टर के साथ एंटर का बटन दबाएंगे। सही।
थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता काम होगा इसका। अब इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें एक नई फाइल कैसे बनाएंगे, उसको सेव कैसे करेंगे, उसको क्लोज कैसे करेंगे, उसको ओपन कैसे करेंगे और फिर एक नई फाइल कैसे बनाएंगे। ऑलवेज न्यू फाइल बनाने के लिए आपको अल्टर एफ करके न्यू में जाना है, यहाँ से न्यू की कमांड को लेना है, एंटर कर देना है। अगर कुछ लिखी भी पहले से फाइल आ गई है उसको क्लोज कर दें। फाइल को क्लोज करने के लिए अल्टर डब्ल्यू दबा के क्लोज के मेन्यू में जाना है, विंडोज़ के, विंडोज़ में आके क्लोज की कमांड को लेना है और एंटर कर देना है। दोबारा से एक न्यू फाइल ले लें, अब बिल्कुल ब्लैंक फाइल आई है। मुझे कैसे पता एक न्यू फाइल है? देखें, इस फाइल के टाइटल पे लिखा हुआ है नो नेम 01.cpp। इस फाइल का नाम है नो नेम, मतलब कोई नाम ही नहीं है, इसने अपनी तरफ से इसका नाम नो नेम रखा है। .cpp इसकी फाइल की टाइप है, C++ फाइल की टाइप है, ठीक है। अब इस फाइल को सेव कैसे करेंगे? तो कुछ अभी आप इसके अंदर टाइप कर लें, जैसे ये टाइप कर लें #include.conio.h #include, stdio.h int man, दो राउंड ब्रैकेट, दो करली ब्रैकेट, एक clrscr का फंक्शन, एक getch का फंक्शन और एक रिटर्न जीरो का कमांड कोड। जब हम प्रोग्रामिंग कोड करते हैं तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए कि हम अभी प्रोग्राम का कोड लिखा जा रहा है, तो कुछ बेसिक कोड्स को सप्लाई करते हैं, क्योंकि बेसिकली ये जो हम अपनी प्रोग्राम बना रहे हैं ये बिल्कुल स्क्रैच से बना रहे हैं, बिल्कुल नया है। तो उसमें जो हमने ऊपर ये जो ऐड कराई हैं दो फाइल्स, ये वो हेडर फाइल्स हैं जिनके अंदर फंक्शंस मौजूद हैं। हमने कहा ये दो हेडर फाइल्स इसमें शामिल करो। जब जो हेडर फाइल्स इसमें शामिल हो गई तो आपने कहा कि मेन फंक्शन से प्रोग्राम शुरू होगा और फिर उसकी बॉडी के अंदर आपने जाके एक फंक्शन लिखा clrscr का, और फिर आपने उसको पास करने के लिए getch का एक फंक्शन लिखा, और फिर इस प्रोग्राम को एंड करने के लिए रिटर्न जीरो लिखा, और अब आगे जब प्रोग्रामिंग कोड हम इसको सप्लाई करेंगे तो वो परफॉर्म होगा। यूँ समझ लें कि जब भी कोई प्रोग्राम आपने लिखना है तो ये बेसिक कोड आपने पहले टाइप करना है। इसके लिए शर्त ये है कि आपने ये कोड सारा स्मॉल लेटर्स में टाइप करना है, कोई भी लेटर कैपिटल नहीं लिखना। दूसरा, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, कोई भी स्पेलिंग आगे पीछे हुई तो ये कोड काम नहीं करेगा, ठीक है। इससे कुछ बनेगा नहीं, लेकिन ये प्रिपेयर कर दिया आपने अपनी फाइल को प्रोग्राम लिखने के लिए। यही लिखना है, बता तो दिया आपको लिखना है। कोड कोड, हाँ यही लिखना है ना, हाँ ये भी कोड ही लिखा है। एक लाइन का इसमें हमने तीन स्टेटमेंट लिखी है, 1, 2, 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने दो हेडर फाइल्स जिसमें फंक्शंस हैं वो इंक्लूड कराई हैं अपने प्रोग्राम में। ये हमारा मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन की बॉडी है जिसमें दो कर्ली ब्रैकेट्स में जो आपने अगला कोड यहाँ लिखा है, ये मेन फंक्शन की क्या है, बॉडी। और बॉडी के अंदर ही हमने पहला फंक्शन लिखा है clrscr का जो ऑलवेज स्क्रीन को क्लियर करेगा, और दूसरा फंक्शन लिखा है getch का जो ऑलवेज हमारे प्रोग्राम को स्टॉप करेगा जब तक कि हम एग्जिट नहीं होंगे। सी लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि ये फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हर कोड मेन फंक्शन से लॉन्च होगा। याद रखें, सी प्रोग्राम में, लैंग्वेज में जब भी कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो हमेशा मेन फंक्शन से ही वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो मेन फंक्शन इसका इंपॉर्टेंट है और ये लाजमी लिखना होता है, ठीक है। और उसको इसी तरह लिखना है जैसे मैंने इसमें टाइप किया है। अब ये मैंने टाइप तो कर दिया, इस फाइल को मैं अपनी सेव कैसे करूँ? सेव करने के लिए फाइल के मेन्यू में जाएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इतना बड़ा पाथ आ जाएगा। आपने राइट एरो दबाना है, आपका कर्सर सिलेक्शन से बाहर आ जाएगा। यहाँ से आपने बैक स्पेस करना है, जो नाम पहले से लिखा है नो नेम डॉट सी पी पी, सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश तक। अगर ये मिट जाए तो दोबारा फॉरवर्ड स्लैश लगा दें, क्योंकि आपको अपनी फाइल बिन के फोल्डर में ही सेव करनी है। कौन से फोल्डर में सेव करनी? बिन में। अब हम आपके ग्रुप के नाम से एक फाइल सेव कर देते हैं, जैसे सनशाइन 01, ये हमारी फाइल का नाम हो गया, और इसको एंटर दबाएंगे, ये फाइल हमारी सेव हो गई सनशाइन के नाम से। कैसे पता चला? ऊपर लिखा रहा है सनशाइन और डॉट सी पी पी, वो खुद ऐड करेगा।
फाइल को क्लोज करना है तो कैसे करेंगे, विंडोज क्लोज फाइल, क्लोज हो गई, फाइल के मेन्यू में जाएंगे, क्या करेंगे, ओपन, टैब का बटन दबाएंगे तो हमारा कर्सर जो है अगले सेक्शन पर आ जाएगा, फिर टैब का बटन दबाएंगे तो और अगले सेक्शन पे चला जाएगा, फिर टैब दबाएंगे तो कैंसिल पर आ गया, टैब दबाएंगे तो हेल्प पर आ गया, टैब दबाएंगे तो दोबारा इस ऑप्शन में आ जाएगा, फिर टैब दबाएंगे नीचे आएंगे। अब इसके अंदर काफ़ी सारी फाइल सेव है, ये बिन का फोल्डर है, इसमें आप डाउन एरो की मदद से, अप एरो की मदद से अपनी फाइल को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, और इंटर दबाएंगे तो ये फाइल आपके सामने खुल जाएगी। फर्दर मोर आप इसमें कोई और भी काम करें, जैसे मैंने इसके अंदर लिखा प्रिंट एफ स्टार्ट एन ओवर अ ब्रैकेट, डाउन ब्रैकेट्स को शिफ्ट के साथ 0 और 9 का बटन यूज करते हुए डबल कोट्स लगाया, और यहां पे मैंने लिखा वेलकम टू टर्बो सी, उसके बाद जो मैंने अभी नया कोड लिखा उसको फाइल में दोबारा सेव करने के लिए दोबारा फाइल के मेन्यू में जाएंगे और क्या करेंगे, हर कमांड के सामने उसकी शॉर्ट की भी लिखी हुई है, अगर आप यहाँ से सेव कर दें तो भी ठीक है और F2 दबा दें एंटर कर दें तो भी ठीक है। कभी इस तरह का मेन्यू आ जाए तो ये पूछ रहा है कि अभी ये फाइल सेव है लेकिन फिर भी आप ओवरराइट करना चाहते हैं, तो अगर सेव है ओवरराइट नहीं करना चाहते तो नो कर दें, नो के लिए एन दबा दें, यस के लिए वाई दबा दें, फाइल को क्लोज करना है, फाइल क्लोज कह रहा है सेव करना है, आपने कहा सेव कर दो, वाई, ओवरराइट करना है आपने कहा नो, फिर आपने फाइल में जाके इसको दोबारा सेव कर दिया, ओवरराइट करा दिया, फाइल में जाके इसको क्लोज कर दिया, फाइल में जाके दोबारा न्यू फाइल ले लिया, न्यू फाइल ले ली, फिर से वही प्रोसेस, इसको सेव करना है सेव कर दिया, राइट एरो किया, जो नाम रखना है सनशाइन 2 रखना है, सनशाइन 2 कह रहा है ये फाइल पहले से मौजूद है, हालांकि हमने सनशाइन 2 के नाम से फाइल सेव नहीं करी, ये ज़्यादा बड़ा नाम नहीं रख सकता तो हमें अपने फाइल के नाम को थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा, जैसे सनशाइन बहुत बड़ा नाम है तो हम उसको कर देते हैं SS02, ठीक है, या एस शाइन कर दें, शायद ये एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, सही, क्लोज करते फाइल में जाते क्वाइट करते। तो आज आपने सिर्फ यही करके देखना है इसके अंदर और इसमें आप परफेक्ट हो जाने चाहिए।